अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं स्वीट कॉर्न्स की बहुत ही टेस्टी सब्जी। बहुत ही बढ़िया बनती है, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। देखते हैं स्वीट कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्वीट कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। ये मैंने बॉईल कर यहाँ पर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। देखिए ये मैंने 1 कटोरी मोजरेला चीज़ और 4/8 चीज़ को मिक्स कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। सोयाबीन ऑयल 2 से 3 बड़े चम्मच हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ी कटोरी अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, आप इसकी जगह घर की मलाई भी यूज़ कर सकती हैं। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, नमक हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। आइए हम बनाना शुरू करते हैं कॉर्न की बहुत ही टेस्टी सब्जी दम मकाई मसाला। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसको मैंने गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें करीब 2 बड़े चम्मच सोयाबीन ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके रखी थी। प्याज को हम अच्छे से सॉटे करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन को भी हम इसी टाइम ऐड कर देंगे ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए और हम तीनों चीज़ों को अच्छे से सॉटे करेंगे। देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से सॉटे कर लिया है तो अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं, आप चाहें तो टमाटो की प्यूरी बनाकर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। हम इसमें करीब 1 छोटा चम्मच पानी डाल देते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स करके करीब 2 मिनट तक पकाएंगे कवर कर। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले को चेक करते हैं। देखिए इसका ऑयल सरफेस पे आ चुका है और बहुत ही बढ़िया ये पक चुके हैं तो अब हम इसमें कॉर्न ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्न को ऑलरेडी बॉईल कर रखा था। नमक डाल देते हैं हम इसमें करीब 1/2 छोटा चम्मच। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं और करीब 1 मिनट तक हम इसे ऐसे ही सॉटे करेंगे। करीब 1 मिनट तक हमने इसे सॉटे कर लिया है तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालना है हमें। अब हम इसे मिक्स करके कवर कर देते हैं और करीब हम इसे 2 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी को चेक करते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी परफेक्ट लग रही है और बहुत ज़्यादा बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें जो हमने क्रीम लिया है ये डाल देते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। ये हमारी कॉर्न की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है तो अब हम इसका थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ाने के लिए इसे हम दम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम फॉइल का पीस लिया है, इसे हम इस सब्जी पर रख देते हैं और मैंने एक चारकोल को ऑलरेडी रेड हॉट कर लिया है। ये एक्टिवेटेड चारकोल हम एल्यूमिनियम फॉइल पर रख देंगे। इस चारकोल पर हम थोड़ा सा सोयाबीन ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो बटर डाल लें और इसे कवर कर देंगे। पूरे स्मोक को हम सब्जी में सेटल होने देंगे, उसके बाद हम इसको अनकवर करेंगे। देखिए पूरा चारकोल का स्मोक अच्छे से सब्जी में अब्सॉर्ब हो गया है तो अब हम इसे चेक करते हैं।
जो एल्यूमिनियम फॉइल का पीस है इसको हम हटा देते हैं। इस रेसिपी का नाम दम मकाई मसाला है क्योंकि हम इस सब्जी को दम करते हैं और उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सब्जी में। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। करीब आधा छोटे चम्मच हमने यहाँ गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। चीज़ डाल देते हैं, हम आधा चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे और आधी चीज़ से हम इसको गार्निश करेंगे। थोड़े से हरे धनिये की पत्तियों को काट कर डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। अच्छे से हम इसे एक बार मिक्स कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। हमारा दम मकाई मसाला बनकर तैयार है। थोड़े से हरे धनिये की पत्तियों से इसे गार्निश कर देते हैं। हम इस पर थोड़ा सा चीज़ भी डाल लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही यम्मी सब्जी बनती है। बीच में हम इसके एक हरे धनिये की पत्ती रख देते हैं। ये हमारा दम मकाई मसाला बनकर तैयार है। ये इतना ज़्यादा डिलीशियस बनता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसकी फ़ैन हो जाएंगी। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी दम मकाई मसाला की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।